दोस्तों आजकल ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। लोग कहते हैं गरीब देश है, लेकिन गाड़ियां महंगी महंगी कारें, हर एक के घर में कार है, स्कूटर है, बाइक है। गाड़ियों से तो छोड़ो, लोग पैदल भी जाम में फंस जाते हैं। ये हाल है ट्रैफिक का। ऐसे ही मैंने ट्रैफिक से परेशान एक दूल्हे को देखा। बेचारा पान की दुकान के पीछे खड़ा है, बीड़ी पी रहा है, मोटा काजल लगाया हुआ है, पसीने से काजल यहाँ बह रहा है, सेहरा पहना हुआ है मगर टेढ़ा हुआ जा रहा है सेहरा, और उधड़ा हुआ सेहरा है, लेकिन इत्मीनान से गाने गा रहा है। और इसमें तेरा घाटा और मेरा कुछ नहीं जाता, और इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। लोग जमा होने लगे। अरे वो दूल्हा, अरे दूल्हे फिर दूल्हा, कहा गुरु बरात कहा है बरात, अबे कहा टहल लो भैया, आगे बढ़ते रहो भैया, आगे बढ़ते रहो, मदद कर नहीं पाओगे, हम खेलने की चीज नहीं है, मौज न लो, आगे बढ़ो। कजरारी कजरारी फिर प्यारे प्यारे नैना, कजरारी कज भीड़ न लगा भाई, बाहर से आए परेशान हो गए ट्रैफिक से, भीड़ न लगा। ओ भाई अबे घूर क्यों रहे भैया, दूल्हा पहले नहीं देखा क्या है, उछल के मैं नक्सीर फोड़ दूंगा, खोपड़ी भिन्नाट हो रही है, मदद कर नहीं पाओगे, टाइम पास मत करो, आगे बढ़ ले। अबे आगे बढ़ ले भाई, आगे बढ़ ले। अब ओ भाई, ओ दूल्हा, ओ भाई क्या हो गया, कहाँ हो, कहाँ जाना, खुद तो बताओ। भाई साहब मदद कर नहीं पाओगे। नहीं नहीं बताओ तो सही, बताओ तो सही, क्या हो गया, आओ फिर सीरियसली आओ, भी पूरा सुनो, बीच में फिर छोड़ना मत। नो भाई साहब, मैं बाहर से आया हूँ, मेरी खोपड़ी भिन्नाट हो गई है, यहाँ इतना ट्रैफिक में फंस गया हूँ, ट्रैफिक कितने कानून है, इतने नियम है भाई साहब, बारात अच्छी वाली आई भाई साहब, मैं सच बता रहा हूँ, अच्छी वाली बारात आ रही है, बारात आगे आगे पुलिस वाला कह रहा है यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ पे नो एंट्री है, अब लो आधी बारात उधर घूम गई, हमारे जो साथी थे दूसरी गाड़ी उधर चली गई, आगे कह रहा है यहाँ पे कट नहीं है, यहाँ पे मोड़ नहीं सकते, क्या कहते हैं उसको, यू टर्न नहीं मार सकते, अब वहां जा रहा है, एक हवलदार और मिल गया भाई साहब, एक तो पुलिस वाले सब मेरे पीछे पड़े भाई साहब, एक क्या कह रहा है कि आगे टक्कर से आप दाएं ले लो, उसने दाएं बोला, हमने बाएं सुन लिया, लो उधर बारात घूम गई, परेशान चल रहे। एक तो भाई साहब मैं सबसे ज्यादा तपा हुआ हूँ ये हाईवे से, और ये भाई साहब बाईपास से, ये नए नए बने भाई साहब चौड़े चौड़े, इसमें एक बार चढ़ जाओ भाई साहब, ये जो बदला लेते हैं, ये जो बदला लेते हैं भाई साहब हाईवे, बीच में आपको उतरने नहीं देता, आपकी बारात हो कोई जरूरी काम हो, कट नहीं मिलता, कहां से मुड़ोगे भाई, कहां से जंप मारोगे, कूद जाओगे, लो मैं हाईवे हाईवे चला जा रहा हूँ भैया, चौराहा नहीं आ रहा, बत्ती नहीं आ रही, मैं सीधा चला जा रहा हूँ, कहां से मुड़ो, कम्बकन मारे, समझ में नहीं आ रहा आप, और भाई साहब परेशान चल लिया हूँ, सब खो गए, सब बिखर गए, मैं अकेला घूम रहे मेरे पास है, फिर मेरे को ध्यान आया यहाँ पर मेरे खाला रहते हैं, खाला के घर गया भाई साहब, वहां से मैंने स्कूटर लिया, लो स्कूटर से आ रहा हूँ, फिर हवलदार मिल गया, हवलदार ने कहा कि नहीं नहीं पावती बनेगी, रसीद बनेगी, तुम्हारा हेलमेट नहीं है, मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने पैसे दे दिए, स्कूटर वहीं खड़ा किया, लो जी सामने मार्केट से मैं हेलमेट खरीदने गया, हेलमेट खरीद के मैं आ रहा हूँ भाई साहब, हाथ में लेके हेलमेट आ रहा हूँ, वहां एक पुलिस वाला और मिल गया ट्रैफिक का, हमसे कहने लगा कि नहीं हेलमेट है, स्कूटर नहीं है, रसीद बनेगी, जुर्माना लगेगा, लो उसने अलग ले लिया, मैंने कहा अबे हेलमेट नहीं था तो जुर्माना ले लिया, है तो भी ले लिया, अजीब चक्कर में घूम रही हूँ भाई साहब, और आपको बड़ी हैरानी होगी, बड़ी परेशानी होगी, आपको आप ना सरप्राइज हो जाओगे, वो देखो रेलवे लाइन दिख रहा, रेलवे लाइन पार करो, देखो चौथा मकान दिख रहा आपको, जहां पर बत्तियां लगी हुई है, झालर ऐसे ऐसे जल रही है, सब बल्ब लगे हुए, लो मेरी बारात वहीं बजानी भाई साहब, अब कैसे जाऊं, बीच में पानी भरा हुआ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा भाई साहब, और जहां भाई साहब मेरी जो है शादी हो रही, निकाह हो रहा मेरा, मेरे ससुर साहब जो टाइम के बड़े पाबंद है, हाँ वक्त के, उन्होंने एक हफ्ते पहले कहा कि आप जो है टाइम पे आ जाना निकाह के लिए, अब मैं बड़े साहब में तैयार घूम रहा हूँ भाई साहब, इतना लेट हो गया, इतना टाइम हो गया, आज सुबह भी उनका फोन आया, बोले टाइम पे आना, अब मैं घबरा रही हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे बताया कि हमारे होने वाले ससुर जो है ट्रेन के ड्राइवर हैं, रेलवे में ड्राइवर हैं,
तो टाइम के बड़े पाबंद है। एक कंबगत मारा बोला कि क्या टाइम के पाबंद है, ट्रेन तो लेट चलती है। अबे मैंने कहा ट्रेन लेट चलती होगी, ये तो ड्राइवर है, ये तो कपड़े पहन के तैयार होकर टाइम पे स्टेशन पहुंच जाते हैं, इंजन उनको लेट मिले तो वो क्या करे भाई। अब मैं समझ गया कि 2-3-4 घंटे में लेट हो गया हूँ। अब मेरा जो है ससुराल रुकेगा नहीं भाई साहब, किसी और को बिठा के अपनी लौंडिया के साथ निकाह कर देगा। क्यों? क्योंकि पाबंद है भाई साहब। हाँ पाबंद है टाइम का। ये बड़ी दिक्कत हो रही, में समझ नहीं आ रही, और परेशानी यहाँ पे खड़ा हूँ। इधर बैठा है ये भाई, एक बहुत अच्छा आदमी भाई साहब, बोले यहाँ बैठ जाओ। मैं बैठ गया और मैं यहाँ बैठा हूँ, पीछे से बकरी आई भाई साहब, आधा सेहरा खा गई। अब सेहरा उधड़ा हुआ है, अलग दिक्कत हो रही मेरे से। एक अभी बुजुर्ग जैसे आप लोग खड़े हो, टाइम पास कर रहे हो मुझसे, है मजा आ रहा है ना, मौज ले रहे हो ना, ऐसे भाई साहब यहाँ से बुजुर्ग निकले। उनसे मैंने कहा कि भाई मुझे वो घर में जाना है, मुझे बताने कैसे जाना है, एड्रेस कोई आइडिया दे दे कैसे जाना है, मुझे अपनी ससुराल में जाना है। वो बुजुर्ग क्या कहने लगे, मुझसे क्या पूछ रहे हो, 27 साल हो गए मैं खुद अपनी ससुराल नहीं पहुंच पाया, ये हाल है ट्रैफिक का, लो कल्लो बात भाई साहब।